गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, सुप्रभात छात्रों, वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 5th। कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस, ऑल ऑफ यू रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक, देन वी स्टार्ट। छात्रों, आज के हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में हम बढ़ेंगे नए पाठ के अध्ययन विषय की तरफ, पर उससे भी पहले हम जो लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में आओ खेले इस पाठ का अध्ययन कर चुके हैं उसे एक बार रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप मुझे बताइए कि कौन कौन से खेल खेलते हो। जी हाँ, क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, गिल्ली डंडा, लगोरी, वॉलीबॉल, कैरम, चेस, ऐसे कई प्रकार के खेल खेलते होंगे। खेल कूद आप सभी विद्यार्थियों को पसंद होगा, तो उनमें से कई खेल अर्थात गेम इंडोर गेम्स होते हैं, तो कई आउटडोर गेम्स होते हैं। छात्रों, इंडोर गेम्स अर्थात जो घर के अंदर खेले जाते हैं, जिसे हम घरेलू खेल कहते हैं, और जो घर के बाहर खुले मैदान में खेलते हैं उसे आउटडोर गेम्स कहते हैं। अब आपको इंडोर गेम्स पता है बच्चों? जी हाँ, कैरम, चेस, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर यानी सांप सीढ़ी, यह इंडोर गेम है जो हम घर में बैठकर खेल सकते हैं। और आउटडोर गेम्स कौन से हैं? यस, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, हाइड एंड सीक जिसे हम छुपम छुपाई कहते हैं, और लगोरी। तो छात्रों, आप सभी को खेलना पसंद है ना, अच्छा लगता है ना? जो गेम्स के नाम अभी हमने सुने उसमें से कोई भी एक गेम आपका फेवरेट हो सकता है। सो चिल्ड्रंस, जिन चार खेल के बारे में हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में जानकारी प्राप्त की थी उसी को हम अभी रिवाइज करने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 1, पेज नंबर 1, पहली इकाई, पाठ आओ खेले। चिल्ड्रंस, आपको इस पृष्ठ पर चित्र दिखाई दे रहा होगा, अर्थात यह एक चित्रात्मक पाठ है। सबसे पहले सुंदर हस्ताक्षर में यहाँ पर लिखा है पहचानो और बताओ, अर्थात बच्चों, इन दिए हुए चित्र को आप सभी विद्यार्थी पहचानेंगे और बताएंगे कि यह चित्र कौन से खेल का है। बच्चों, लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में हमने इस पृष्ठ पर दिए हुए चारों चित्र को पहचान कर उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की थी, अब उसे एक बार रिवाइज भी करते हैं। छात्रों, इस चित्र का निरीक्षण कीजिए और मुझे बताइए कि इस चित्र में बच्चे कौन कौन से खेल खेल रहे हैं। यस, राइट, बच्चे लगोरी, गिल्ली डंडा, कबड्डी और क्रिकेट यह खेल खेल रहे हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए, लिसन केयरफुली। इस चित्र में बच्चे लगोरी, गिल्ली डंडा, कबड्डी और क्रिकेट यह खेल खेल रहे हैं। इट मीन्स फर्स्ट गेम इज लगोरी, सेकेंड गिल्ली डंडा, थर्ड कबड्डी एंड फोर्थ वन क्रिकेट। और बच्चों, यह जो चार खेल हैं वह घर के बाहर खुले मैदान में खेले जाते हैं, इसलिए इन्हें हम आउटडोर गेम्स कहते हैं। सो चिल्ड्रंस, सबसे पहले हम बढ़ते हैं लगोरी इस खेल की तरफ। छात्रों, यह एक ऐसा खेल है जिसे कई नामों से जाना जाता है। इसे कई राज्य शहरों में पिट्ठू कहते हैं, तो राजस्थान में इस खेल को सितोलिया कहा जाता है, पर इसका राष्ट्रीय स्तर पे नाम है लगोरी। महाराष्ट्र के कई गांवों में यह लोकप्रिय खेल है।
जो दो दलों के बीच खेला जाता है। अर्थात इस खेल को खेलने के लिए बच्चों हमें दो टीम की ज़रूरत होती है। यह खेल सबसे सरल है। हर टीम में बराबर सदस्यों की ज़रूरत होती है। छात्रों, इस खेल को खेलने के लिए सिर्फ एक गेंद और 7 चपटे पत्थरों की ज़रूरत है। इट मीन्स 1 बॉल एंड 7 टाइल्स। लगोरी इस खेल के लिए ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, सबसे पहले जो टीम खेल रही होती है उसका सबसे पहले एक खिलाड़ी जाता है, अर्थात एक प्लेयर, जिसे कुछ दूरी से 7 पत्थरों से बना हुआ टावर अर्थात सितोलिया गेंद के माध्यम से गिराना होता है। जो बॉल होता है उसे 7 टाइल्स को गिराना है। इसके लिए आपको 3 बार मौका दिया जाता है। अगर आप 3 बार में 7 पत्थरों से बनी सितोलियों को नहीं गिरा पाए तो आपकी बारी चली जाती है और फिर दूसरे खिलाड़ी की बारी आ जाती है। अगर आपसे वह सितोलिया गिरी तो यहाँ से खेल को शुरुआत होती है। अब दूसरे टीम में जितने भी सदस्य हैं वह सभी आपकी टीम के सदस्य को सितोलिया अर्थात 7 चपटे पत्थरों को टाइल्स को जमाने से रोकते हैं। तो रोकने के लिए क्या करना होगा? बच्चों, रोकने के लिए उन खिलाड़ियों को आपके टीम के किसी भी सदस्य को गेंद मारनी होगी। बच्चों, अगर वह गेंद आपको छू लेती है तो आप हार जाते हैं, पर दूसरी टीम वाले सदस्य गेंद मारने में असफल होते हैं तो आप इसी तरह से जीतते हैं। और इस तरह से यह खेल खेला जाता है। इस खेल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप में से कितने भी सदस्य इस खेल को खेल सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, हमने लगोरी इस खेल के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम बढ़ते हैं अगले खेल की तरफ, जिसका नाम है गिल्ली डंडा। बच्चों, यह जो दूसरा चित्र है वह कौन सा खेल है? अभी थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया। यस, वेरी गुड। यह चित्र गिल्ली डंडा इस खेल का है। आप में से कई बच्चों ने यह खेल खेला हो या फिर किसी और को खेलते हुए देखा होगा। चिल्ड्रंस, गिल्ली डंडा यह पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध खेल है। इसे सामान्यतः बेलनाकार लकड़ी से खेला जाता है। बच्चों, आपको स्क्रीन पर चित्र में 2 लकड़ियां दिखाई दे रही होगी। जो बेलनाकार छोटी लकड़ी होती है उसे गिल्ली कहा जाता है और यह जो बड़ी लकड़ी है उसे डंडा कहा जाता है। तो इस खेल को खेलने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ों की आवश्यकता है, जिसे हम गिल्ली डंडा कहते हैं, अर्थात बेलनाकार एक छोटी लकड़ी और एक बड़ा सा डंडा। और यह जो छोटी बेलनाकार लकड़ी है वह दोनों किनारों से थोड़ी घिसी हुई रहती है, या आप उसे नुकीली भी कह सकते हैं। अर्थात बच्चों, गिल्ली दोनों ओर नोकदार लकड़ी की बनी होती है। छात्रों, गिल्ली डंडा 2 प्रकार से खेला जाता है। एक तो गड्ढा खोदकर और दूसरा ज़मीन पर गोल शेप ड्रॉ करके। बच्चों, इस खेल का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि डंडे से गिल्ली को मारना या फिर उछालना। गिल्ली को ज़मीन पर रखकर डंडे से किनारों पर मारते हैं, जिससे गिल्ली हवा में उछलती है। गिल्ली को ज़मीन पर गिरने से पहले हवा में ही फिर से उसे मारते या उछालते हैं।
अब बच्चों, जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा गिल्ली को दूर तक पहुंचाता है या उछालता है वही विजयी होता है। बच्चों, जब गिल्ली को उछाला जाता है तब आसपास खड़े खिलाड़ी गिल्ली को लपकने की ताक में रहते हैं, अर्थात बच्चों गिल्ली को कैच करने की कोशिश में रहते हैं। अब गिल्ली लपक लेने पर उछालने वाला खिलाड़ी आउट हो जाता है, अथवा दूर गई हुई गिल्ली डंडे पर फेंकने से या फिर डंडे को लगने से खिलाड़ी आउट हो जाता है, यानी हार जाता है। अब हम बढ़ते हैं अगले खेल की तरफ। यह कबड्डी इस खेल का चित्र है। आप सभी विद्यार्थी इस कबड्डी खेल से भली भांति परिचित होंगे। बच्चों, कबड्डी यह खेल भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। यह खेल भारत के कई भागों में काफ़ी प्रचलित भी है। कबड्डी में भारत ने एशियाई खेल, विश्व कबड्डी लीग, कबड्डी वर्ल्ड कप जैसे खेलों में कई मेडल प्राप्त किए हैं। बच्चों, अब तो कबड्डी का यह खेल पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कबड्डी यह खेल दो दलों के बीच खेला जाता है और दोनों दलों अर्थात दोनों टीम में समान खिलाड़ियों की संख्या होती है। प्रत्येक दल में अर्थात टीम में 7-7 खिलाड़ी होते हैं और खेल का मैदान बराबर दो हिस्सों में बांटा जाता है। अब बच्चों, कबड्डी इस खेल में एक दल का खिलाड़ी दूसरे दल में अर्थात मैदान के दूसरे हिस्से में कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है। वह खिलाड़ी एक ही सांस में यह शब्द बोलते हुए दूसरे दल के किसी खिलाड़ी को छूकर उसे आउट करने और अपने पाले में लौट आने का प्रयत्न करता है। बच्चों, यह खेल खुले मैदान में खेला जाता है। इस प्रकार इस खेल को खेला जाता है। बच्चों, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कबड्डी का विश्व कप अर्थात वर्ल्ड कप सबसे पहले 2004 में खेला गया था। उसके बाद 2007, 2010, 2012, 2016 में हुआ। अब तक भारत सभी में विजेता रहा है। तो इस प्रकार बच्चों, हमने कबड्डी इस खेल के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब बढ़ते हैं हम अगले खेल की तरफ। अगला खेल है क्रिकेट। क्रिकेट खेल में दो दल होते हैं और प्रत्येक दल में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि इस खेल में एक दल गेंदबाजी तो दूसरा दल बल्लेबाजी करता है। यह मैदानी खेल है जो पीच पर खेला जाता है। बच्चों, इस खेल में अधिक रन बनाने वाले दल की विजय होती है। यह खेल रबड़, टेनिस अथवा सीजन बॉल से खेला जा सकता है। छात्रों, क्या आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन अर्थात कप्तान कौन है? यस, राइट, विराट कोहली जी इंडिया क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। और इंडिया क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं? बच्चों, इंडियन क्रिकेट टीम के कोच श्री रवि शास्त्री जी हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने क्रिकेट इस खेल के बारे में जानकारी प्राप्त की है। बच्चों, इस प्रकार हमने लास्ट लेक्चर में आओ खेले इस पाठ द्वारा 4 खेलों की अधिकतर जानकारी प्राप्त की और आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने फिर से एक बार रिवाइज भी किया है। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे आज के अध्ययन विषय की तरफ। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सभी ने पाठ्यपुस्तक निकाला ही होगा। पेज नंबर 2, पृष्ठ क्रमांक 2, देखो बताओ और कृति करो। स्टूडेंट्स, इस पाठ में पृष्ठ क्रमांक 2 और 3 पर चित्र दिया हुआ है।
इसलिए यह चित्रात्मक पाठ हुआ। तो इन दो पृष्ठ पर दिए हुए चित्र का हमें निरीक्षण करना है और वर्णन करना है। इस पाठ के द्वारा हमें यही समझाने की कोशिश की है, पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे पर्यावरण संतुलन में अहम भूमिका निभाते हैं। पेड़ पौधे उगा कर हम अपने आसपास हरियाली और खुशहाली ला सकते हैं। शिष्टाचार, अनुशासन, प्रेम, सहयोग जैसे गुणों के रहते हम अपने गांव शहर को नंदनवन बना सकते हैं। बच्चों, इस पाठ का नाम है नंदनवन। वन अर्थात जंगल आप सभी को पता है, पर इस पृष्ठ पर दिए हुए चित्रों को नंदनवन ऐसा नाम दिया हुआ है। क्यों पता है आपको? क्योंकि इस वन में सभी पशु पक्षी हंसी खुशी से मिलजुल कर अपना जीवन बिताते हैं। अनुशासन, शिष्टाचार जैसे गुणों से वह अपने वन को नंदनवन बना पाए हैं। वे सभी खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे हैं और इस पाठ द्वारा, चित्र द्वारा पशु पक्षी हमें भी कुछ ना कुछ संदेश दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वे सभी हमसे क्या कह रहे हैं। चित्र के शुरुआत में ही सुंदर बड़े हस्ताक्षर में लिखा है, पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। अर्थात बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हमें यह संदेश दिया गया है कि हम सभी का यह कर्तव्य है कि पेड़ पौधों की सुरक्षा करें, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमें जीवन देते हैं। हम जिस प्राणवायु को अपने अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन, वह हमें पेड़ों के द्वारा ही प्राप्त होता है। वायु शुद्ध रखने में पेड़ पौधे बड़ी सहायता करते हैं। उसके बाद पेड़ पौधों से हमें कई लाभ होते हैं। हम हमारी ज़रूरतों के लिए, सुविधाओं के लिए पेड़ों को काट देते हैं। पर क्या बच्चों आप जानते हो, हम जाने अनजाने में अपना ही नुकसान कर रहे हैं। पेड़ हमारे मित्र है और उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि पौधा बड़ा होकर ही तो पेड़ बनता है। इसलिए इस पाठ के द्वारा हमें यह संदेश मिलता है कि पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। छात्रों, क्या आपको पता है 5 जून को जागतिक पर्यावरण दिन होता है। 5 जून को हम पर्यावरण दिवस करके मनाते हैं। 5 जून, और इस पर्यावरण का संतुलन रखने के लिए हमें पेड़ पौधों को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं आगे। नंदनवन में सबसे पहले जो हमसे मिलने आ रहे हैं वह है तोता, पैरोट आप सभी जानते हैं। तोता हमसे कह रहा है नमस्ते। नमस्ते यह अभिवादन पर शब्द है। छात्र, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, हमारे माता पिता, गुरुजन वर्ग, उन्हें नमस्ते कहना है, उनका हमें आदर करना है। ऐसा संदेश तोता हमें दे रहा है। आगे हाथी हमसे कह रहे हैं कतार में चलो। कतार में चलो अर्थात एक के पीछे एक लाइन से चलना। इससे हमें पता चलता है कि अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। छात्रों, देश के विकास के लिए अनुशासन होना बहुत ही ज़रूरी है। छात्रों, हमें नियमों का पालन करना है, यही संदेश हाथी राजा हमें दे रहे हैं। तोता हाथी के बाद इस नंदनवन में हमारा स्वागत करने आ रही है तितली। तितली आप सभी जानते हैं, जिसे हम बटरफ्लाई कहते हैं। अब यह जो तितली है वह पूरे नंदनवन में सबको कह रही है स्वागत है।
बच्चों, हम भी हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत यानी वेलकम। तितली के पास में ही एक खरगोश है जिसे हम रैबिट कहते हैं। छात्रों, यह रैबिट खरगोश हमसे क्या कह रहा है? जी हाँ, नाचो गाओ। इट मीन्स डांस एंड सिंग। और इस पृष्ठ के सबसे आखिर में एक प्राणी है जिसे कहते हैं लोमड़ी। लोमड़ी मीन्स फॉक्स। लोमड़ी हमसे क्या कह रही है बच्चों? जी हाँ, हम सब साथ है। छात्रों, अगर हम प्रेम और सहायता, इन गुणों को अपने अंदर आत्मसात करते हैं तो हमारा जीवन भी नंदनवन यानि अर्थात खुशहालियों से भरा होगा। बच्चों, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, मिलजुल कर रहना है। आप सभी ने कहानी तो सुनी होगी, एक गरीब किसान और उसके चार बेटों की। बच्चों, एक गांव में एक गरीब किसान था। उसे अपने बच्चों की हमेशा फिक्र होती थी क्योंकि उनके चारों बेटे हमेशा आपस में झगड़ा करते थे। एक दिन किसान अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाकर उन्हें एक एक लकड़ी हाथ में थमा देते हैं और एक एक करके उस लकड़ी को तोड़ने के लिए कहते हैं और चारों बेटे उस एक लकड़ी को आराम से तोड़ देते हैं। फिर किसान अपने बेटों से कहता है कि चारों लकड़ी को साथ में तोड़िए, पर उनमें से कोई भी चारों लकड़ी को साथ में नहीं तोड़ पाता है। अर्थात चार लकड़ी का जो गड्ढा होता है उनको साथ में कोई भी नहीं तोड़ पाता है। तो छात्रों, इस कहानी से हमें यही पता चलता है कि कोई भी समस्या क्यों ना हो, अगर हम साथ में मिलजुल कर उसका हल निकालेंगे तो उस समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। एकता में ताकत होती है और हमें एक दूसरों की सहायता भी करनी है, इसलिए लोमड़ी हमसे कहती है कि हम सब साथ हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन लेक्चर में हमने पाठ क्रमांक एक नंदनवन, इसका पृष्ठ क्रमांक एक का अध्ययन किया है और जो पृष्ठ क्रमांक तीन पर चित्र दिया गया है उसका अध्ययन हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में करेंगे। चिल्ड्रंस, इस पाठ में अर्थात इस चित्र में दिए हुए छोटे छोटे शब्द और वाक्यों को मैं पढ़ रही हूँ, आप मेरे पीछे दोहराइए। पृष्ठ क्रमांक दो, देखो बताओ और कृति करो। पाठ एक, नंदनवन। पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। नमस्ते, स्वागत है। नाचो गाओ। कतार में चलो। हम सब साथ हैं। फिर से एक बार इन वाक्यों को पढ़ रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। नमस्ते, स्वागत है। नाचो गाओ। कतार में चलो। हम सब साथ हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आज हमने जितना अध्ययन किया है वह आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम इसी पाठ के पृष्ठ क्रमांक तीन पर दिए हुए चित्र का निरीक्षण करेंगे और संदेश को जानेंगे। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू चिल्ड्रंस। हैव ए नाइस डे।